नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने बढ़ाया बस का किराया, सूबे में बारिश के साथ ठंड का होगा आगाज। भयंकर रोड एक्सीडेंट में सुशांत सिंह से जुड़े 5 रिश्तेदारों की गई जान। बीएसएससी अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग पर किया प्रदर्शन। जनवरी 2022 तक 3000 से ज्यादा आयुष चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अब अत्याधुनिक सीसीटीवी से होगी पटना शहर की निगरानी। राजधानी पटना के नगर निगम के क्षेत्रों को सुरक्षा, यातायात व्यवस्था व आपदा प्रबंधन के नजरिए से और भी ज्यादा अत्याधुनिक बनाया जाने वाला है और यह काम 15 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का नाम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना है, जिसके तहत बीते दिन नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के MD और LNT के बीच इकरारनामा किया गया, जिसके तहत पटना शहर के 2750 जगहों पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे मिलने वाले फीड को वीडियो एनालिटिक्स के जरिए डिकोड किया जाएगा। यह कैमरा हाव भाव के आधार पर लोगों के पहचान सकने में सक्षम है, जिससे गुमशुदा व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान आसानी से हो जाएगी। इस परियोजना से सभी पुलिस थाने, रेलवे स्टेशनों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही 50 जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। बिहार सरकार ने बढ़ाया बस का किराया। महंगाई के बीच यात्रियों की जेब और भी ज्यादा ढीली होने वाली है, क्योंकि बस का सफर बिहार में महंगा हो गया है। बस यूनियन की तरफ से लंबे समय से बस भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग को परिवहन विभाग ने मानते हुए बीते दिन नए किराए को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें 10-20% बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। इसके तहत अब सामान्य बसों का न्यूनतम किराया 1.50 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है, जबकि वोल्वो का किराया 2.50 रुपए और डीलक्स का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। डीलक्स बसों का किराया 1.70 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। डीलक्स AC बस का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर होगा, जबकि वोल्वो और मर्सिडीज कैटेगरी के बसों का किराया अब 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। इतना ही नहीं, सिटी सर्विस बस का किराया भी बढ़ाया गया है। सिटी सर्विस में बस का किराया अब 1.60 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। साथ ही 4 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर प्रति 2 किलोमीटर के लिए यात्री को 1.5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। बताते चले कि ये नई दरें अगले महीने से लागू होंगी। सूबे में बारिश के साथ ठंड का होगा आगाज। बिहार में इन दिनों दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, लेकिन ठंड का ज्यादा असर 25 नवंबर के बाद से होने लगेगा। इसमें बारिश का बड़ा हाथ होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल होकर गुजर रही है, जिसके कारण राज्य में पूर्वी हवा का प्रवाह बढ़ा है। इन कारणों से 19-25 नवंबर के बीच दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश होने के बाद से तापमान तेजी से लुढ़केगा। बिहार में मिले केवल 1 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर सिर्फ 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 4 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो कटिहार जिले में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वही बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। बीएसएससी अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग पर किया प्रदर्शन। बिहार में कई बहालियां एक तो सालों साल के बाद आती है, उसके बाद लंबे समय के बाद उसकी परीक्षा ली जाती है, और जब परीक्षा हो जाती है तो मामला रिजल्ट और बहाली प्रक्रिया पर पूरी होने तक अटक जाता है। ऐसा ही वाकया बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसने 2014 में ही 13,120 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी और अब तक इस प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत बहाली की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। इस ढीले रवैये को देखते हुए बीते दिन राजधानी पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी जिलों से आए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध किया। बताते चले कि आयोग की तरफ से नवंबर में काउंसलिंग की बात कही गई थी, मगर अब तक तारीख भी घोषित नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में रोष भर गया है। भयंकर रोड एक्सीडेंट में सुशांत सिंह से जुड़े 5 रिश्तेदारों की गई जान। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों के लिए आज सुबह का दिन काला दिन साबित हो गया। सुबह ही भीषण सड़क हादसे में उनके 5 रिश्तेदारों की स्पॉट डेथ हो गई। जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह के बड़े बहनोई ओम प्रकाश सिंह, जो कि फिलहाल हरियाणा में ADGP हैं, उनके ही करीबी रिश्तेदारों की मौत हुई है। जिन 5 लोगों की जान हादसे में गई, उनमें OP सिंह के बहनोई, 2 भगना 2 भगनी बताए जा रहे हैं, तो वहीं चालक की भी मौके पर
मौत हो गई। ये सभी पटना में एक दाह संस्कार कार्यक्रम से लौटकर जमुई जा रहे थे, तभी लखीसराय में शेखपुरा सिकंदर मार्ग पर सुबह 6 बजे के आसपास उनकी सूमो को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायलों को पटना रेफर कर दिया गया। खगड़िया पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने दी स्थानीय खिलाड़ियों को टिप्स। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहलवानी में नाम बनाने वाले नरसिंह पंचम यादव बिहार के खगड़िया जिले पहुंचे, जहां कोसी कॉलेज में स्थानीय खिलाड़ियों को उन्होंने पहलवानी के कई गुण सिखाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अगर खेल में व्यस्त रहेंगे तो वह गलत दिशा में नहीं भटकेंगे। साथ ही कहा कि यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसे तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुविधा के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के बावजूद खगड़िया के खिलाड़ी देश स्तर पर अपना नाम बना रहे हैं, मगर इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। वहीं इस दौरान पहलवान ने बिहार सरकार से हर जिले में खेल क्लब, स्पोर्ट्स मैदान और टर्फ मैदान के साथ ही बेहतर ट्रेनर मुहैया कराने की मांग की। जनवरी 2022 तक 3000 से ज्यादा आयुष चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। आयुष चिकित्सकों के लिए खुशखबरी है, बिहार स्वास्थ्य विभाग में अगले साल जनवरी महीने तक में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूरा करने को लेकर काम शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार में देसी चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही आयुष अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए भी लगातार कवायद चल रही है। तहत कुल 3270 पदों में से 50% यानी कि 1635 पर आयुर्वेद, 30% यानी कि 981 पर होम्योपैथी और 20% यानी कि 654 पदों पर यूनानी चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। इस नियुक्ति के होने से राज्य के लोग और बेहतर तरीके से अपना देसी चिकित्सा पद्धति से उपचार करा सकेंगे। वाल्मीकि नगर से देख सकेंगे विशाल हिमालय और धौलागिरी पर्वत के नजारे। बिहार के लोग और दूसरे जगह से आए बिहार में सैलानी अब पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि नगर में हिमालय पर्वतमाला और धौलागिरी पर्वत के विहंगम दृश्य का आनंद ले सकेंगे। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त पैसे ढीले नहीं करने पड़ेंगे। दरअसल वाल्मीकि नगर बराज और सर्किट हाउस के पास 1964 में बने गगनचुंबी सुरक्षा टावर को नया लुक दिया जा रहा है। इस सुरक्षा टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में हाई नाइट विजन पावर का दूरबीन लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही करने वाले हैं। इसके उद्घाटन के बाद से ही वाल्मीकि नगर घूमने आए सैलानी हिमालय की खूबसूरत छटा को हाई लेवल दूरबीन के जरिए देख सकेंगे। संविदा आयुष डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति में मिलेगी 16 साल की छूट। सूबे में देशी उपचार और देशी पद्धति वाले डॉक्टरों को एक के बाद एक करके सौगातें मिल रही हैं। इसके तहत अब संविदा पर काम कर रहे आयुष डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति में 16 साल की उम्र सीमा में छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट सभी वर्गों को मिलेगी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तकनीकी सेवा चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी है। इसके अनुसार अनारक्षित कोटे के लिए 37 वर्ष और 16 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और 16 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और 16 वर्ष की छूट दिए जाने की अनुशंसा की गई है। बताते चले कि यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा छूट देने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद लिया गया है। समीक्षा से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से किए 15 सवाल। आज दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शराबबंदी से जुड़े 15 ज्वलंत मुद्दों पर बिहार सरकार से सवाल पूछे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे कुछ ज्वलंत सवाल है, आशा है कि आज की समीक्षा बैठक से पहले वो इनका उत्तर देंगे, अन्यथा बैठक में इन पर विमर्श करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यह विशुद्ध नौटंकी होगी। आपको बताते चले कि इन सवालों में उन्होंने समीक्षा की संख्या, 6 सालों में हुई कार्रवाई, माफियों और कारोबारियों को जेल ना भेजने, सबूत उपलब्ध करवाने और पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी से जुड़े कई सवाल दागे हैं। नीतीश सरकार के साल भर पूरा होने पर जदयू प्रवक्ता ने गिनाए काम। सूबे की एनडीए सरकार को 1 साल हो रहे हैं, इसे लेकर हालांकि कोई कार्यक्रम तो आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा में जुटे हुए हैं, मगर जदयू नेताओं की तरफ से नीतीश सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनवाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 1 साल में हर क्षेत्र में काम किया है। इस बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार के पक्ष में कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है और योजना बनाने से लेकर उन्हें जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 पर सरकार काम कर रही है, जिसके तहत हर क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर काम हो रहे हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार इस साल भी 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं कर रही है।
शहाबुद्दीन के घर न्योता में शामिल होने गए पप्पू यादव की आंखें हुई नम। दिवंगत आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की रुखसती के महीनों बीतने के बाद बीते दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अचानक से शहाबुद्दीन की याद आ गई, जब वे सोमवार की शाम उनकी बेटी की शादी और बेटे ओसामा के वलीमे में शामिल होने सिवान पहुंचे। इस खास मौके पर सोमवार की शाम जैसे ही पप्पू यादव सिवान में कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां ओसामा शहाब को गले लगाकर बधाई दी। इस दौरान पप्पू यादव दिवंगत आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गम, पीड़ा और अकेलापन महसूस कर रहा हूं, लेकिन खुशी भी है कि शहाबुद्दीन की विरासत को बच्चे आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी मानवता के लिए था, जिसे पूरा करने के लिए उनके बच्चों से उम्मीदें हैं। बताते चले कि इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नामचीन मेहमानों ने शिरकत किया। तेजस्वी यादव को जदयू ने दिलाई शराबबंदी के लिए शपथ लेने वाली बात। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार की तरफ से आज समीक्षा बैठक हुई, मगर इससे पहले से ही विपक्षी नेतागण की तरफ से सवाल जवाब करके सरकार को घेरने का काम जारी है। बयानबाजियों के इस दौर में सत्ता पक्ष शराबबंदी कानून को बेहतर बता रही तो राजद की तरफ से नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को पुरानी बात याद दिलाई है, जब वे 2016 में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में थे। उसी वक्त शराबबंदी कानून लागू हुआ था और एक साथ सभी दलों ने शराबबंदी को लेकर शपथ लिया था। इस बात को याद दिलाते हुए ललन सिंह ने कहा कि जब विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था तो शपथ लेने वाले आरजेडी के सदस्यों में तेजस्वी यादव भी थे। अब जब से वो विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी शपथ के खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं। T20 विश्व कप 2022 का शेड्यूल हुआ जारी। T20 वर्ल्ड कप 2021 का खुमार अब तक पूरी तरह उतरा भी नहीं कि अब इसके 2022 के टूर्नामेंट की सुगबुगाहट तेज हो गई है और अगले साल होने वाले T20 विश्व कप का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में कुल 45 मैच खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के 7 मैदानों एडिलेड ओवल, गाबा, कार्डिनिया पार्क, होबार्ट में बेलेडिव ओवल, पर्थ MCG और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन अगले साल अक्टूबर नवंबर में होगा, जिसमें पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, जबकि 10 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल एडिलेड ओवल पर खेला जाएगा। वही फाइनल मुकाबला 13 नवंबर 2022 को खेला जाएगा। ये फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG पर होगा। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार के एक साल पूरे होने पर आपको इस साल भर में राज्य में क्या क्या नया बदलाव दिखा है। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।